नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। पिछले दो हफ्ते से 50 साल की रानू मंडल इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है। कुछ दिनों पहले रानाघाट रेलवे स्टेशन से रानू मंडल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो देश की जानी मानी सिंगर लता मंगेशकर के गाने को गुनगुनाती दिखाई दी। उनका ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि वो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई है। रानू को मुंबई के रियलिटी शो में गाना गाने का ऑफर भी मिला है। यही नहीं, अब तो रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने भी बॉलीवुड का एक बड़ा ब्रेक दिलवाया है। लेकिन अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार रानू मंडल है कौन। तो चलिए देर किस बात की, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रानू कौन है। बता दें कि रानू के पति की मौत हो चुकी है। उन्होंने मुंबई के रहने वाले बबलू मंडल से शादी की थी। पति की मौत के बाद से रानू अलग अलग रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसे कमाती थी। कुछ दिन पहले ही रानू मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में रानू एक रेलवे स्टेशन पर लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर का सॉन्ग एक प्यार का नगमा है गा रही थी। इस गाने को रानू ने इतने बेहतरीन तरीके से गाया कि उनकी आवाज को न सिर्फ कई लोगों ने अप्रिशिएट किया था, बल्कि रातों रात उनका वीडियो वायरल हो गया। इसी के बाद उनकी किस्मत चमक उठी और आवाज सुनने के बाद कई सिंगिंग ऑफर रानू को मिलने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो रानू को परफॉर्मेंस के लिए कोलकाता, केरल और बांग्लादेश भी बुलाया जा रहा है। ताज़ा अपडेट रानू से जुड़ी हुई ये है कि अब बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपनी अपकमिंग फिल्म में रानू मंडल को गाना गाने का मौका दिया है। रानू के फर्स्ट म्यूजिक वीडियो की एक झलक भी सामने आई है, जिसमें रानू अपनी सिंगिंग का जौहर दिखाती दिखाई दे रही हैं। दरअसल हिमेश रेशमिया की नई फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर आ रही है, जिसमें रानू ने तेरी मेरी कहानी नाम का एक गाना गाया है। रानू के रिकॉर्डिंग करते वक्त की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें रानू हिमेश के सामने स्टूडियो में खड़ी हुई गाना रिकॉर्ड कर रही हैं। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।